फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीलिंग फैन है अभी यहाँ पे ऑफ है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा ये सीलिंग फैन का दोनों टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल में हमारा फेस सप्लाई आ रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऊपर में टेस्टर लगा रहे हैं तो भी हमारा सप्लाई आ रहा है, वहीं फ्रेंड्स जब हम नीचे में टेस्टर लगा रहे हैं मतलब जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, इसमें भी हमारा फेस सप्लाई आ रहा है। तो फ्रेंड्स जब हमारा यहाँ पे सीलिंग फैन ऑफ है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दोनों टर्मिनल में पावर सप्लाई मतलब फेस सप्लाई क्यों आ रहा है, फेस न्यूट्रल के जगह फेस फेस क्यों आ रहा है? फ्रेंड देखिए, बहुत सारे लोग जब इस फैन का कनेक्शन करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक कर लेते हैं, जिससे कि ये आपका फैन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फ्रेंड्स, कभी भी आप अपने जब फैन में खुद से कैपेसिटर चेंज या कोई भी वायर चेंज करने के लिए जाएंगे तो वहां पे फ्रेंड्स आपको शॉर्ट लग सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका फैन ऑफ रहेगा उसके बाद भी सप्लाई आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सीलिंग फैन के कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है और आप इसको कैसे ठीक करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करें। हमारा सीलिंग फैन है, ये हमारा चार तार वाला सीलिंग फैन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तार को कॉमन बनाया है और बाकी के एक एक तार में यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप फोर वायर के सीलिंग फैन का कनेक्शन करना नहीं जानते तो हमने इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाया है, वीडियो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हमारा फेस का वायर कनेक्शन हुआ है, एक हमारा न्यूट्रल का वायर कनेक्शन हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमारे फेस के वायर में भी फेस आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल का वायर है इसमें भी हमारा यहाँ पे फेस आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे फैन ऑफ है, इसको हमने चालू नहीं किया है, फिर भी इसमें सप्लाई आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी इस फैन का कनेक्शन का प्रॉब्लम है या आपके घर का वायरिंग का प्रॉब्लम है, चलिए अब उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फैन होता है, इसको चलने के लिए हमको 220 वोल्ट का सप्लाई देना होता है। यहाँ पे देखिए एक फेस एक न्यूट्रल, वही फ्रेंड्स अगर इसमें डबल फेस का सप्लाई आ जाएगा तो इससे क्या होगा, आपका सीलिंग फैन यहाँ पे जल भी सकता है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले पता करना है कि जो आपका घर का न्यूट्रल है वो न्यूट्रल चार्ज है या नहीं है। अगर फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए कभी कभी हमारा क्या होता है, जब हमारा घर का न्यूट्रल चार्ज होता है तो वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा न्यूट्रल में भी सप्लाई आने लगता है और साथ ही फेस में भी सप्लाई आने लगता है। वो फ्रेंड्स कब होता है, जब हमारा सीलिंग फैन रनिंग में रहता है उस टाइम में फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपका घर का न्यूट्रल चार्ज होगा तो वो फेस में भी सप्लाई बताएगा, न्यूट्रल में भी सप्लाई बताएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर न्यूट्रल चार्ज नहीं होगा तो जब आपका सीलिंग फैन रनिंग रहेगा तो वहां पे केवल फेस में बताएगा और वहां पे न्यूट्रल में नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स एक बार हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका सप्लाई को चालू करके देख रहे हैं कि चालू करने के बाद हमारे दोनों पॉइंट में सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम फैन के सप्लाई को चालू कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फैन के सप्लाई को चालू कर दिया, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फैन चालू हो गया है। फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए रोक रहा हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब हम ऊपर अब चेक कर रहे हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी हमारा फैन यहाँ पे चालू है तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्टर यहाँ पे ग्लो हो रहा है। वही फ्रेंड देखिए अब जब हम नीचे चेक करें तो यहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले जब हमारा सीलिंग फैन ऑफ था तो हमारा नीचे में ग्लो हो रहा था और हमारा ऊपर में भी ग्लो हो रहा था, लेकिन वहीं जब हमने सीलिंग फैन को चालू कर दिया तो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर में दिखा रहा है और यहाँ पे नीचे में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। जब फ्रेंड्स हमारा सीलिंग फैन चालू रह रहा है तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फेस में फेस बता रहा है, न्यूट्रल में न्यूट्रल बता रहा है। वहीं फ्रेंड देखिए अब हम अपने सीलिंग फैन को यहाँ पे ऑफ कर दिया, अब मैं आपको फिर से इसको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी हमारा टेस्टर जल रहा है और फिर से यहाँ पे नीचे में देखिए टेस्टर जलने लगा, मतलब जैसे हमारा फैन ऑफ हुआ हमारा दोनों पॉइंट में यहाँ पे फेस आने लगा। तो फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका ये सीलिंग फैन रहेगा, अगर आपके सीलिंग फैन में न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कभी कभी हमारे सीलिंग फैन में जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे हम न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं, जहां से हमारे फैन को न्यूट्रल मिलता है, वहां पे अगर वायर जल जाएगा टूट जाएगा तो उससे भी क्या होता है, जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है वो यहाँ पे रिटर्निंग यहाँ पे न्यूट्रल में फेस दिखाने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका जब न्यूट्रल ब्रेक होगा तो जब आप वहाँ पे फैन को चालू करेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल में सप्लाई आएगा और आपका फैन चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे थे जब मैं फैन को चालू किया तो हमारा फैन प्रॉपर घूमने लगा और हमारा फैन का प्रॉब्लम यहाँ पे सही भी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो हमारा ये सीलिंग फैन है इसमें हमारा न्यूट्रल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल हमारा ब्रेक नहीं है। अगर हमारा न्यूट्रल ब्रेक होता तो जब हम सीलिंग फैन को चालू किए थे उस टाइम में हमारा सीलिंग फैन नहीं चलता और हमारा न्यूट्रल में भी फेस दिखाता। तो फ्रेंड्स अब हम बताते हैं कि जो हमारे ये सीलिंग फैन में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हम ऑफ करने के बाद दोनों में सप्लाई आ रहा है, तो इसको आपको कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है, जब भी आप अपने घर में सीलिंग फैन को लगाते हैं तो फ्रेंड्स इस सीलिंग फैन को आप किसी भी स्विच बोर्ड से इसको ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स वहीं पर क्या होता है, जब आप सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं तो उस स्विच बोर्ड में ही आप कनेक्शन इसका गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके फैन में ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अब मैं आपको उस स्विच बोर्ड के पास लेके चलता हूं जहां से हमारा ये फैन चल रहा है और मैं आपको उसमें बताता हूं
हूँ इस प्रॉब्लम को आपको कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इसी स्विच बोर्ड से हमारा वो सीलिंग फैन चलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टोटल 5 स्विच लगा है। एक स्विच से हमारा सॉकेट है, ये हमारा फैन का स्विच है, और बाकी फ्रेंड्स ये जो हमारा 2 स्विच है ये हमारा लाइट का स्विच है। तो फ्रेंड्स अब हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे और ओपन करके मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड जो हमारा ये स्विच बोर्ड का यहाँ पे स्क्रू रहेगा, इस सारे स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं पहले फटाफट से खोल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड के सारे स्क्रू को ओपन कर दिया है। करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको स्विच बोर्ड को ऐसे खोल देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन पावर सप्लाई का जो केबल है वो हमारा ये है, ये जो हमारा दोनों केबल है इसी से हमारे स्विच बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल फेस है वो हमारा इसमें बराबर आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा फेस वायर है इसको जब हम चेक कर रहे हैं टेस्टर से, तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई भी यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब हमारा फेस यहाँ पे नहीं बता रहा है। वही फ्रेंड देखिए जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल का पॉइंट है जब हम इसमें टेस्टर लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पे ग्लो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो हो रहा है, और जब हम फेस वायर में लगा रहे हैं तो यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा ये प्रॉब्लम है ये कभी कभी हमारे घर के सारे स्विच बोर्ड में नहीं होता है, किसी किसी बोर्ड में होता है। अगर आपके घर के सारे स्विच बोर्ड में ये प्रॉब्लम है तो जो आपका घर का मेन सप्लाई है वहाँ से आप क्या करिए वायर को चेंज कर दीजिए, फेस का वायर न्यूट्रल, न्यूट्रल का वायर फेस में डाल दीजिए, ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वहीं एक कुछ कुछ बोर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ फ्रेंड्स आपको देखिए क्या करना है। अब जो आपका ये न्यूट्रल का पॉइंट है इसको इस वायर को क्या करना है यहां से आपको खोल देना है, और खोलने के बाद इस वायर को क्या करना है इस फेस वायर में कनेक्शन कर देना है, और जो आपका ये फेस के लिए जो यहां पे रेड वायर कनेक्शन हुआ है जो कि न्यूट्रल में जुट गया है मेन सप्लाई से इसको आपको क्या करना है खोल के यहां पे न्यूट्रल में कनेक्शन कर देना है, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं ये जो हमारा यहां पे ब्लैक कलर का वायर है जिसमें हमारा फेस आ रहा है इसको हम यहां पे लगा रहे हैं, और जो हमारा रेड कलर का वायर में न्यूट्रल आ रहा है इसको हम यहां पे लगा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसको चेक करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने वायर को चेंज कर दिया है, जो हमारा ये रेड कलर का वायर पहले इस स्विच में लगा हुआ था इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल में यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं जिसमें कि हमारा न्यूट्रल आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स जो हमारा ये ब्लैक कलर का वायर जो कि पहले यहाँ पे न्यूट्रल के साथ कनेक्शन था इसमें हमारा फेस आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया है स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। जब भी आपका जो फेस वायर रहेगा ये आपके स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आएगा, और जो आपका न्यूट्रल होगा वो आपके सॉकेट में एक पॉइंट आएगा। अगर आपका ये कनेक्शन उल्टा हो गया तो आपको क्या करना है ऐसे ही फिर से इसको यहाँ पे चेंज कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कनेक्शन सही हो गया है, जो हमारा यहाँ पे उल्टा कनेक्शन हुआ था इसको हमने सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम इस बोर्ड को फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको पंखा के पास लेके चलूंगा और एक बार फिर से चेक करके दिखाऊंगा कि जो हमारा प्रॉब्लम पहले हो रहा था वो अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स अभी हमारा फैन यहाँ पे बंद कंडीशन में है। अब फ्रेंड्स मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे दोनों पॉइंट है इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम ऊपर वाले पॉइंट में लगा रहे हैं तो हमारा सप्लाई नहीं बता रहा है, वही फ्रेंड देखिए जब हम नीचे वाले पॉइंट में लगा रहे हैं तो भी हमारा सप्लाई नहीं बता रहा है। वही फ्रेंड पहले जब हम चेक कर रहे थे तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट में भी सप्लाई आ रहा था और हमारे नीचे वाले पॉइंट में भी सप्लाई आ रहा था। तो फ्रेंड्स अगर आपके सीलिंग फैन में इस तरह का प्रॉब्लम है, ऑफ होने के बाद भी दोनों पॉइंट पे सप्लाई आता है, करंट आता है, तो आपको क्या करना है अपने स्विच बोर्ड के अंदर ऐसे ही कनेक्शन को चेंज कर लेना है जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, तब जाके क्या होगा आपका सीलिंग फैन का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।